से हमारे यहाँ कृषि लोग या खेती करने वाले लोग कृषक ऐसे हैं जिनको सम्मान निधि वाला पैसा ही प्राप्त नहीं होता है, ये तो हमें पता है, तुम्हारे आ गए क्या? उन्होंने कहा हाँ हमारे आ गए। तुम्हारे आ गए? हमारे नहीं आए, हमने तो बहुत कोशिश की। इसका मतलब कोशिश करना नहीं है, एक दूसरे को देखते हुए ठीक ऑनलाइन कराइए, सिस्टम सब ऑनलाइन करिए, बिना ऑनलाइन के सिस्टम नहीं है। आगे आने वाले 20 साल के अंदर 500 का नोट बंद हो जाएगा, 200 का नोट बंद हो जाएगा। हम लोगों को इतना अनुभवी होना है, अपने दिमाग को इतना विकसित करना है कि मोबाइल निकाला 500 रुपए की सौदा तुरंत पेमेंट वहीं कर दी, 200 की वहीं पेमेंट कर दी। सिस्टम 20 साल के अंदर ऐसा आ जाएगा कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, बिना पढ़ी लिखी महिला भी ऑनलाइन इसी से पैसे दे दिया करेगी। जैसे अब आप हम नंबर मिलाते हैं, इसी तरह से कोड वर्ड होगा और कोड वर्ड के आधार से मोबाइल से 15 पैसे 1 रुपए की रुमाचिस आती है, उसका भुगतान भी इसी से करेंगे। क्यों? उसका कारण क्या है? विकसित करना है भारत। भारत विकसित कब होगा? जब बाहर वाली करेंसी, फर्जी करेंसी, नंबर नोट की करेंसी यहाँ बननी और आनी बंद हो जाएगी, तो नोट नाम की चीज नहीं रहेगी, सब मोबाइल पर चलेगा। चाहे आपके पास मोबाइल हो या ना हो, पड़ोसी से अपना नंबर करके डायल दुकानदार का और यहाँ में से पैसा निकाल के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है भारत तभी विकसित होगा जब बाहर वाली नंबर नोट की करेंसी जो आ रही बंद हो जाएगी, मोबाइल से पूरा सिस्टम चलेगा। अगर हम चश्मा लेने जा रहे हैं, फाउंडर पेन खरीदने जा रहे हैं, कलम खरीदने जा रहे हैं, उसका भुगतान भी मोबाइल के द्वारा होगा। नकली करेंसी जब बंद हो जाएगी तब ये मान के चलिए भारत विकसित दिखाई देगा, भारत उन्नति के पथ पर दिखाई देगा। क्यों? भारत का नाम उन लोगों ने रखा है, उन मनुष्यों ने रखा है जिन्होंने आज दिन तक कभी कलम नहीं पकड़ी, अपने बुद्धि और विवेक से भारत का नाम भारत क्यों रखा? भा माने प्रगति, भा माने प्रगति और रत माने लगे रहना, प्रगति के रास्ते पर निरंतर लगे रहना, हमारे भारत का ये नाम है। हिंदू, हिंदुस्तान क्यों रखा? क्योंकि हिंदुओं का ये स्थान था, इसीलिए किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति ने हिंदुस्तान इसका नाम रखा। आर्यवर्त क्यों रखा? क्योंकि आर्य वर्त माने बरतने वाला, कहते ना हो वो तुम्हारे बाप की जगह तुम बरत रहे हो, वर्त माने स्थान। श्रेष्ठ लोगों का स्थान यहाँ था भारत हिंदुस्तान, आर्यवर्त तभी आर्यवर्त रखा। दूसरा जंबूद्वीप क्यों रखा? इस विषय में हमें जानकारी नहीं होगी। भारत के चारों इस पृथ्वी पर 3/4 हिस्से में पानी है, एक जंबूद्वीप नाम एक स्थान ऐसा है, वो अक्षमान भर के ऊपर आ गया, उस पर प्राणी रहने लगा, इसलिए जंबूद्वीप। 7 द्वीप है जंबू, प्लक्ष, सालमन, कुश, क्रॉस, उस तरह से पुष्कर वगैरह 7 द्वीप है, उनमें हमारा द्वीप सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसका नाम जंबूद्वीप ही रखा। वो मनीषी इतने पागल नहीं थे कि जिन्होंने इस तरह से नाम हम दिए, लेकिन इंडिया का कोई हिसाब नहीं है, इंडिया की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हम भारतीय हैं और भारतीयता के आधार से भारत की दूसरी बात ये किसी में और है कि हम भारत में रहने वाले कृषि प्रधान देश के एक छोटे से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हम कृषि पर ज़्यादा डिपेंड हैं और कृषि के विषय में हमारे अधिकारियों ने एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से और सहकारिता के विभाग से, डॉक्टरी के विभाग से पूरी पूरी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय और है, हमारे बीच में विजयलक्ष्मी बहनी बैठी हुई है, शिक्षा विभाग से संबंधित पूरी जानकारी होगी, जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देखते हैं उससे संबंधित जानकारी के लिए मैं बैंक विजयलक्ष्मी जी जो यहाँ प्राथमिक विद्यालय है उसमें आप प्रधानाचार्य हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने मुख से अपने चार रखें। बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के संचालक महोदय जी का, और आज ये जो महत्वपूर्ण समारोह है विकसित भारत संकल्प यात्रा में, देश की सेवा, सुरक्षा और विकास हेतु जितने भी विभाग संचालित हैं, वो आज खुद हमारे गांव में हमारे पास यहाँ आकर हमारी सेवा के लिए तत्पर हैं और अपनी सभी कार्य योजनाओं को बहुत ही विधिवत विस्तार पूर्वक आपके सामने रख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इसके लिए
पहले एक जोरदार स्वागत स्वरूप ताली कर दीजिए आप। हमारे बच्चे आपकी आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही है। बच्चों दिखा दो कि खरगातीपुर में कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं। और इस समारोह में हमारे जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं और सभी विभाग से जो भी सम्मानित लोग आए हैं, हम उनका हृदय से अभिवादन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं अपने गांव में। और अपने माननीय ग्राम प्रधान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं जो ऐसे कार्यक्रम को इतने समय से और सही रूप से संचालित किए हैं। इसके बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं विजयलक्ष्मी लक्ष्मी इंद्रा प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर से अपने शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की जितनी भी योजनाएं हैं उनको बहुत संक्षिप्त रूप में आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी बैठक होती हैं, अभिभावक शिक्षक बैठक, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम, और समय समय पर प्रत्येक माह कोई ना कोई बैठक होती है, और हम अपने समस्त ग्रामवासियों को शिक्षा विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनसे परिचित कराते रहते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो है निःशुल्क शिक्षा, यानी कि हमारे विद्यालय में किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगता है। बच्चे के नामांकन से लेकर उसकी शिक्षा तक के लिए, मतलब फिफ्थ क्लास यानी पांचवी कक्षा तक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में आठवीं कक्षा तक कोई भी शुल्क किसी भी प्रकार का नहीं लगता है, ना तो नामांकन के दौरान और ना ही टीसी जब आपको दी जाती है उसके दौरान। दूसरी बात, विद्यालय में भोजन व्यवस्था है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था है, और सोमवार को फल वितरण की भी व्यवस्था है। इस तरह से इससे आप अवगत हैं। जो वर्तमान समय में हमारी सरकार की महती योजनाएं हैं उनमें कन्या सुमंगला योजना के बारे में तो अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है। इसके अलावा डीबीटी से जो आपको धनराशि आपके खाते में जो स्थानांतरित की जाती है 1200 रुपए प्रत्येक बच्चे के, उससे भी आप अवगत हैं। ज़्यादातर बच्चों के खाते में ये धनराशि पहुंच चुकी है। अगर किसी के खाते में नहीं पहुंची है तो कारण वही है कि किसी के खाते में कोई ना कोई कमी है, जैसे आधार से लिंक नहीं है खाता, तो उसके लिए हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं कि आप अपना खाता आधार से लिंक कराइए। इसका डाटा आप हमारे विद्यालय में आकर लीजिए कि कितने कौन बच्चे ऐसे हैं जिनका ये जो ट्रांसफर नहीं हुआ है, डीबीटी में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो आपसे आप हमसे विद्यालय में आकर मिले। उसके लिए जूनियर में अगर कोई बच्चा रह जाता सब रहते रहे बारे जूनियर स्कूल में ज़्यादातर बच्चों का जो ये डीबीटी का पैसा है वो खाते में स्थानांतरित हो चुका है, 12 बच्चे रह गए हैं केवल। लेकिन प्राइमरी में 116 बच्चों में 88 बच्चों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, और 16 से ज़्यादा ही बच्चे हैं जिनका अभी नहीं हुआ है। तो दोनों का हमसे विद्यालय में आकर मिले कि क्या कारण रहा है, हमसे जो भी हेल्प होगी जिस तरह से होगी बैंक में जाकर होगी तो वो हम कर देंगे। इसके अलावा निपुण भारत मिशन जो है वो हमारे शिक्षा विभाग की या भारत सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि 2026 तक कक्षा 3 में पढ़ने वाला बालक या बालिका, कक्षा 3 में जब बच्चा पहुँचे तो गणित की जो दक्षताएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये दक्षताएं कक्षा 3 तक बच्चों को हासिल हो जाए और एक प्रवाह की गति से हिंदी पढ़ सके समझ के साथ थर्ड क्लास में, जबकि इससे पहले बच्चा कक्षा 5 कक्षा 8 पास कर जाता था
स्वास्थ्य का दोनों तरह से प्रयास कर रही है अपने विद्यालय स्तर पर। योजनाएं और भी बहुत सी हैं, हम जो भी बैठकें करेंगे, जो भी अपडेट या जो भी योजनाएं आती रहेंगी हम आपको उससे अवगत कराते रहेंगे। और इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। धन्यवाद।